हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे अकाउंट फेसबुक का लॉक होने के बाद अनलॉक करने के लिए सिक्योर यूअर लॉगिन डिटेल्स कैसे करें, हाउ टू सिक्योर यूअर लॉगिन डिटेल्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड स्टेप पर सिक्योर यूअर लॉगिन डिटेल्स है, यूअर अकाउंट विल बी अनलॉक्ड हो जाएगा। तो इस स्टेप को कम्प्लीट किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है वो जानते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लेना है, स्टेप कंप्लीट करना है। अकाउंट कंफर्म हो चुका है, सिक्योर यूअर लॉगिन डिटेल्स आ चुका है। इसके लिए आपको नेक्स्ट बटन पर, नेक्स्ट बार पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पे आ जाएगा सिक्योर यूअर लॉगिन डिटेल्स करके। तो दिस फोन नंबर और ईमेल हैज़ बीन एडेड बाय समवन और रियलाइज, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि एक मोबाइल नंबर आपने खुद से ऐड की है, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल नंबर अपनी खुद की है, अगर आपने इसको ऐड किया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़, मतलब कोई दूसरा ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर इसमें ऐड हुआ है क्या। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कभी कभी ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि ये पेज जो है स्टक हो जाता है, कभी कभी अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा यूअर न्यू लॉगिन डिटेल्स करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू एल अनलॉकेड यूअर अकाउंट, तो यहाँ से हमारा अकाउंट अनलॉक हो चुका है। उसके बाद रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी कर सकते हैं और बैक टू फेसबुक पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से फेसबुक की आईडी अनलॉक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।